क्योंकि कमांड होता है, पहले कमांड खरीदते हैं जी, उसके बाद फिर ना कमांड ले आते हैं यहाँ बेलड़े में, उसकी रस निकालते हैं, रस निकाल के फिर ना गुड़, पहले कोको बनती है और फिर गुड़ बनता है, फिर शक्कर बनती है। उसके बाद सर जी ये ना बेहतरीन लाजवाब चीज़ होती है गुड़, लोग सर्दियों में बड़े बड़े तरीके से ले जाते हैं, बड़ी मशहूर सौगात है इधर की। हमें तकरीबन 15 से 16 साल हो चुका है ये काम करते करते, ठीक है ना जी। और दूर दराज से लोग आते हैं, कोको गुड़ और शक्कर ले जाते हैं। अच्छा कमांड होता, अच्छे कमांड की अच्छी निकलती है सर, और कमांड अगर ज़रा सही ना हो, कच्चा कमांड हो, तो फिर ना ये गुड़ नहीं बनता, फिर कोको बनानी पड़ती है। देखें ये गुड़ और शक्कर जो है ना, ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। और ये जनूबी पंजाब ले लें या सेंट्रल पंजाब ले लें, जहाँ भी ये बनता है, ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। और ये ऑर्गेनिक फूड्स में आती है, ये वाइट चीनी से बेहतर है कि आप इसको इस्तेमाल करें, चाहे कम मकदार में इस्तेमाल करें तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। और ये बहुत बड़ी सौगात है इस इलाके की। हम जब भी आते जाते हैं, मैं खुद इस ज़िम्मेदार इलाके से बिलोंग करता हूं, अब तो खैर कारोबारी सिलसिले में कहीं और चले गए, वरना मैंने अपने हाथ से गुड़ शक्कर खुद बनाया हुआ है, मुझे इसका प्रोसीजर भी आता है। तो अब हम जब आते जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ तो है ना, ये गुड़ हो गया, शक्कर हो गया, मेवे वाला गुड़ हो गया, ये हम कुछ ना कुछ यहाँ से हम ले कर जाते हैं, ताकि हम बच्चों को भी दें, खुद भी खाएँ। और इसका जो है सेहत के लिहाज से जो है हमारे लिए ये बहुत मुफीद चीज़ है। Thank you.